भैया आप बताओ कि आपको बाबा जी का चाय कैसा लगता है? ऐसी जो रिव्यू है तो देने लगे। कलकत्ता का सबसे फेमस लिट्टी यही है, बाबा लिट्टी। नमस्कार पृथ्वीवासियों, तो कैसे हैं आप लोग? जैसा गाइस इस समय हम आए हैं कोलकाता में अपने होम टाउन में, और मैं आया हूं भूतनाथ, और भूतनाथ के बगल में अगर आपको कुछ भी खाना हो, चाय पीना हो या लिट्टी खाना हो, तो एक प्रसिद्ध बाबा हैं जो बहुत ही तगड़ा चाय बनाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बगल में, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से चाय को फेंट रहे हैं। और हम लोग हमेशा जब भी यहाँ पर आते हैं तो बाबा के पास ही चाय पीते हैं। दिखा दूं बाहर कितना भीड़ लगा हुआ है दुकान के बाहर। और ये जो दुकान है ये अहरी टोला पे है, दुकान का नाम है वो वैद्यनाथ साव एंड सन्स है, ठीक है। आपको ठीक भूतनाथ के बगल में ये दुकान मिलेगा, मतलब आप राइट से लेफ्ट साइड में अपने 10 से 20 कदम चलोगे तो ये दुकान आ जाएगा। और बाबा है, इनका चाय बहुत ही फेमस है। और जैसा कि मैं दिखा दूँ कि मैं भी अभी लिया हूँ चाय, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चाय बनाने का तरीका बाबा का, इनका एक चाय का जो प्राइस है वो 30 रुपये है, जैसे कि देख सकते हो। अभी चाय में ये केसर डाल लें, बाबा भी बहुत मस्त इंसान है, आप ऐसा देख सकते हैं, वीडियो में हंस भी रहे हैं। और ये हमारे रोहित भैया, ठीक है। तो अब लोग देख रहे चाय ले रहे हैं, हमारे रोहित भैया भी चाय पी रहे हैं। अब इनका चाय ख़त्म हो गया है, चाय इनको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि इसे रहा नहीं जा रहा है। और ये रहा मोनू भाई का चाय, ठीक है। और अभी जा रहे हैं हम पीने, और आपको बताते हैं कि स्वाद कैसा है, ठीक है, चाय का। तो चाय का टेक्सचर है वो काफ़ी बवाल है, बहुत ही अच्छा है। और चाय में जो स्वाद है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब बहुत ही अलग लग रहा है इनका पीने में चाय, और बहुत ही टेस्टी। मतलब ऐसा चाय आपको ना इस एरिया में मिलेगा नहीं, सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं ऐसा चाय। तो प्लीज़ आप लोग आइए और केसर वाला चाय यहाँ पर पीजिए बाबा के साम पास, और बहुत ही अच्छा चाय बनाते हैं बाबा। अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं बाबा का, बाबा का लिट्टी का दुकान भी है, मैं वहाँ भी लेके चलता हूँ आपको, और थोड़ा सा पब्लिक रिव्यू भी दिखाता हूँ कि कैसा है इनका चाय का टेस्ट। मैं तो पी रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा पब्लिक का रिव्यू भी दिखाता हूँ आपको कुछ देर में। एक बात बताइए, आपको बाबा का चाय कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा, उसका चाय बहुत ही अच्छा लगता है, उसका स्वाद बहुत अच्छा है, और वो टेस्ट अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मोल्ड भी करके दे सकते हैं। जैसे किसी को चीनी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, या चीनी किसी को थोड़ा कम चाहिए, या किसी को केसर चाहिए किसी को नहीं चाहिए, जैसा आप बोलेंगे वो वैसा आपको मोल्ड करके भी दे देते हैं। अच्छा भैया, एक बात और बताइए, आप कितने दिन से यहाँ पर चाय पीने आ रहे हैं? मैं 24 साल से, 24 ईयर्स। तो भैया एक बात बताइए, इस भूतनाथ के एरिया में क्या बाबा के जैसा कोई और भी चाय बना के दे सकता है क्या? देखिए ऐसा है कि इस क्षेत्र में चाय की तो बहुत दुकानें हैं इधर में वहाँ मोड़ पे, और बट इसके जैसा चाय कोई बना के दे नहीं सकता है, ही इज़ द बेस्ट। और ये यही नहीं, पूरे शहर में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट चाय मेकर, नॉट ओनली इन दिस एरिया, होल सिटी। तो जैसा गाइस आपने देखा, भैया जो हमारे भैया हैं वो बाबा के चाय के बारे में बहुत सारे बातें बताएं, वो इतने दिन से पी रहे हैं, और जैसा कि बताया वो इस शहर में चाय नहीं मिल सकता। सही बात है, मैंने भी पिया, मेरे को चाय बहुत अच्छा लगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस अब हम नेक्स्ट बंदे के पास आते हैं, ठीक है। आप पूछते हैं इनसे, बहुत खुश लग रहे हैं ये वीडियो में आने के लिए, ठीक है। और देखिए इनके हाथ में केसर वाली चाय है। तो भैया आप बताओ कि आपको बाबा जी का चाय कैसा लगता है? बेस्ट चाय है, यहाँ की सबसे बेस्ट चाय है ये, ऐसी जो रिव्यू है तो देने लायक नहीं, 10/10 है। स्पेशली इनकी केसर चाय यहाँ की सबसे फेमस है, केसर चाय और टिक्की साथ में खा लेने से बेस्ट होता है यहाँ की।
भूतनाथ है और ये नहीं किया तो फिर किस लिए आया है बताइए। बेस्ट चीज़ है ये, जरूर आइए, जरूर ट्राई करिए। जैसा कि भैया ने बताया, मतलब जितने लोग से भी पूछ रहे हैं सब बाबा जी को, बाबा जी के चाय को पढ़ाई कर रहे हैं, सब बता रहे कि बाबा जी चाय बहुत अच्छा बनाते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो भैया को थैंक यू कहेंगे कि आप मेरे वीडियो में बोले, बहुत अच्छा लगा भैया। ठीक है गाइस, ये बाबा के घर के बगल में ही मतलब उन्हीं का दुकान है लिट्टी का, और जैसा कि आप देख रहे हो वो मतलब ये भाई, अपना भाई बड़े भैया और एक बड़े भैया वो, ठीक है, ये सरल लिट्टी बना रहे हैं। और जो ये लिट्टी है ये पूरा देसी तरीके का है, ऐसे कलकत्ता में लिट्टी कहीं बनता नहीं है, कोई बना नहीं पाते हैं, बस बाबा ही हैं जिनके यहाँ पर लिट्टी ऐसा बनता है, आप देख सकते हो। और मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि लोग बाहर खा भी रहे हैं लिट्टी, और हमारे भैया भी खा रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि लिट्टी बना कैसे रहे हैं, सत्तू का बना हुआ है लिट्टी, और कलकत्ते का सबसे फेमस लिट्टी यही है, छोटा लिट्टी। लिट्टी तो बहुत जगह मिलता है लेकिन कलकत्ता का सबसे फेमस लिट्टी यही है, बाबा लिट्टी। और बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हम लोग घी यूज करते हैं, और प्लस जो भी है सब अच्छा एकदम यूज करते हैं हम लोग। तो भैया बताइए, आप जो ये लिट्टी बना रहे हैं, ठीक है, ये सारा मटेरियल क्या घर का यूज करते हैं क्या आप? ये पूरा मटेरियल हम लोग घर का यूज करते हैं, जैसे कि घर का मसाला हम लोग यूज करते हैं, जितने भी मसाला मार्केट का, कुछ मसाला हम लोग यूज नहीं करते हैं, जितने भी सब घर का ही मसाला हम लोग यूज करते हैं। और प्लस घी जो है वो नोवा कंपनी का घी, वो भी बहुत ब्रांडेड घी है, वो घी का हम लोग यूज करते हैं। और आटा भी हम लोग घर से एकदम पिसवाते हैं, हम लोग धो के गेहूँ को धो के फिर आटा उसको पिसवाते हैं हम लोग। और तो ये बताइए, जो आपका लिट्टी है वो कैसे प्लेट है? 5 पीस देसी घी का लिट्टी 40 रुपये दाम है, बिना घी का लीजिएगा तो 6 से 40 रुपये दाम है। और हमारा ये जो लिट्टी है बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही हमारे जो है यहाँ पे बगल में बाबा भूतनाथ जी का मंदिर है, तो बहुत कस्टमर जो है हमारे वो बाबा भूतनाथ का प्रसाद समझ के खाते हैं, क्योंकि इस लिट्टी में ना लहसुन है, प्याज, अदरक, बैंगन, इमली का यूज नहीं है इसमें, और जो फास्ट करते हैं वो ये सब लिट्टी खाते हैं। गाइस, अब मैं दिखा रहा हूँ भैया कैसे लिट्टी लगाते हैं, मैं अपने लिए लगवा रहा हूँ एक प्लेट। जैसा कि आप देख रहे हो वो घी का कटोरी है और उसमें भैया लिट्टी डाल रहे हैं। देसी घी एकदम हम लोग डाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये लिट्टी है पूरा घी में डूबा हुआ, पूरा प्योर घी में लिट्टी है और बिना लहसुन प्याज का, आप बिना लहसुन प्याज का है, ठीक है, टेस्ट है कि खाने। और ये बाबा की लिट्टी है, ये चोखा और ये धनिया की चटनी, पूरा घर वाली टेस्ट। जैसा बताए थे भैया पूरा वैसा टेस्ट है, वैसा टेस्ट आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा घर की तरह टेस्ट लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि बाहर का है। और आप आगे टेस्ट कर सकते हो, बिना लहसुन प्याज का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और साथ में ये हरा मिर्चा ही मिला है, बट मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं तीखा नहीं खाता हूँ। तो जैसा कि गाइस, मैं मेरे बगल में भैया बैठे हैं, इन्होंने भी खाई लिट्टी, तो मैं इनसे थोड़ा रिव्यू लेता हूँ कि भैया बताइए आपको लिट्टी कैसा लगता है? लिट्टी यहाँ का फेमस है लिट्टी, और ये भूतनाथ आते हैं तो इसका समझ लीजिए प्रसाद है ये, एक तरह का लिट्टी का, इसका इतना अच्छा लिट्टी है, इतना लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, इसके बावजूद भी ये लिट्टी इतना टेस्टी है कुछ बोल नहीं सकते आपको। ये तो बात सही बोल रहे हैं भैया, खाने के बाद मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन टेस्ट लाजवाब है, औसम है टेस्ट, बहुत अच्छा टेक्स्चर आ रहा है, ठीक है, धनिया की चटनी का, और जिस उसमें इसके जो क्या बोलते हैं आलू का जो चोखा है उसमें जो टमाटर धनिया का पत्ता मिला हुआ है उसका भी टेस्ट अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और मैं थोड़ा वीडियो बंद करता हूँ, थोड़ा खा लेता हूँ, उसके बाद अब वीडियो में मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो जैसा है गाइस, आपने देखा कि मैंने भूतनाथ गया था मैं, ठीक है, आपको बाबा का चाय और बाबा का लिट्टी आपको दिखाया ब्लॉग में। अभी बहुत ऐसा जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको एक्सप्लोर करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं गाड़ी बैठ गया हूँ, अभी जा रहा हूँ घूमने,
तो अभी मैं ब्लॉग को यहाँ पर बंद करता हूँ और कल भूतनाथ आएंगे, ठीक है, और वहाँ भूतनाथ बाबा का दर्शन करवाएंगे आपको पूरा अच्छी तरीके से और आरती भी होगा। एक्चुअली मैं ब्लॉग आज बनाता, मैं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज भीड़ कम था, मंडे को भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और आरती बहुत भव्य होता है, तो मैं इसका ब्लॉग कल बनाऊँगा। तो आज बस इतने रह देते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।